दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपनी पैन कार्ड की जो भी लॉक है उसे आप कैसे तोड़ेंगे, हमेशा के लिए कैसे तोड़ेंगे, और ज़रूरी अपने ऑनलाइन फॉर्मेट्स में, यानी कि आप अपने ऑनलाइन जो भी काम करते हैं उसमें उसे अपलोड भी कर सकते हैं। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल सरल तरीका बताने वाला हूँ। आप उसका इस्तेमाल, आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने आधार कार्ड का लॉक तोड़ सकते हैं, या फिर अन्य सारी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसका भी लॉक तोड़ सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक ज्ञान पिंटू यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें आना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस डॉक्यूमेंट्स में एक लॉक लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स नेदर में चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ sonu.pdf, यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं टैप करता हूँ। ये आधार कार्ड की फॉर्मेट है, मैंने इसका नेम जो है रीनेम कर रखा है, इसलिए सोनू लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर जो है आधार कार्ड की जो भी पासवर्ड तोड़ी जाती है उसका पासवर्ड जो है होता है आपके नेम का 4 लेटर होता है जो कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद में आप अपने ईयर डालेंगे, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका लास्ट जो ईयर होता है, जैसे कि आपका ईयर 1996 है तो आप अपना 1996 डालेंगे, 2005 है तो 2005 डालेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है आप पहले अपना जो भी नेम है उसका 4 लेटर आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में अपना ईयर डालेंगे। ईयर डालने के बाद में ओपन जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका आधार कार्ड जो है ओपन हो चुका है, फिर भी लेकिन जब आप इसे दोबारा ओपन करेंगे इस पर एक लॉक लगा हुआ फिर से मिलेगा, जो फिर से बार बार आपको पासवर्ड डालने होंगे। इस पासवर्ड से छुटकारा पाने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करने हैं, एंड नीचे की तरफ आपको देखना होगा, प्रिंट का एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, सिंपल सा प्रिंट पर क्लिक करना। घबराना नहीं, ये आपको प्रिंट आउट नहीं निकलना है। यहाँ पर जो सबसे ऊपर आप देखोगे सेव एज PDF जो लिखा हुआ है इसे आपको सिलेक्ट करना है, एंड जो यहाँ पर PDF जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आप इसे जहाँ पर भी स्टोर करना चाहते हो उस जगह को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम इसे ईमेल वाले फोल्डर नहीं, इसे हम फोन्स वाले फोल्डर में इसे हम रखना चाहते हैं ताकि मैं आपको सही से दिखा पाऊँ। इस फोल्डर्स में कोई भी आइटम्स नहीं आपको शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पर आप अपने फाइल्स का नेम देंगे। चलिए जैसे कि हम इस फाइल्स का नाम दे दे रहे हैं सोनू आधार, ठीक है। आधार देने के बाद में सेव करेंगे, सेव कर दिया हमने। चलिए फिर से हम लोग बैक आते हैं, फाइल्स में आते हैं, और उसके बाद में हम लोग आएंगे इंटरनल स्टोरेज में, जहाँ पर भी मैंने इसे सेव किया। मैंने आपको बताया कि फॉन्ट्स में मैंने इसे सेव किया है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं थे जो कि मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था sonu.pdf को। इसे आपको ओपन करना है, चलिए इसे हम लोग ओपन करते हैं। आप देखोगे कि अब बिना पासवर्ड का ओपन हो चुका है। फिर से हम इसे ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ फिर से ओपन हो चुका है, और फिर से वो वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स था उसे यदि आप ओपन करते हैं तो उसमें जो है आपको बार बार लॉक मांगा हुआ, सॉरी यहाँ पर जो मैंने पहले से इसे तोड़ा था वो वाला है, एंड उसमें जो है आपका लॉक लगा हुआ मिलेगा। देख सकते हो इस तरीका से आपको लॉक लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और इस तरीका का इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीका का जो भी मैं लॉजिकल वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।